जैविम कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज की इस वीडियो में बताने के लिए आया हूँ कि इटावा क्षेत्र के इटावा जिला और क्या नाम है गांव का नाम है बशरेहर, बशरेहर क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ कुछ दबंग किस्म के लोग उसको जबरन उसको अपने घर के अंदर उसको प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद दरवाजे को बंद करते हैं और उसके वस्त्र को हटाकर उसके बाद उससे लड़ाई और झगड़े करते हैं। कहाँ रहती हो? छत्तीसगढ़। क्या मामला है? मेरे बच्चन में पहले एक दो तीन पहले दिन लड़ाई हो गए थे, इसके बाद कुछ नहीं, हम लोग को बात उचित भाई। फिर मेरे आदमी तेल लेने के लिए गए थे दुकान पे, तब उसके आदमी दारू पी के पीछे से पकड़े थे मेरे आदमी को और बहुत सारे मारे। जब ये मेरे आदमी हाथापाई करने लगे और घर जब आए ये डंडे अंडे पकड़ने के लिए, तब मुझे यहाँ मिले तो हमें खींच के ले गए त्रिवान सिंह और ले जाके कमरे में ले जाके बंद किए और बहुत मारे, पूरे शरीर के कपड़ा उतार गए और पुलिस वालों ने भी मुझे निकाल रहे थे, उसने कार्रवाई तलक भी नहीं किए और थाने में मुझे 2 बजे रात को घर भेजे थे कि जाओ आपका कोई खराब नहीं, सवेरे आपको बुलाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुए उन लोगों को। मेरे देवर थे वहाँ पे, पैसा डाल के मेरे देवर को भी मारवाए थे। इस तरीके से ये मामला है इटावा जिला का। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इनके ऊपर जब पुलिस इनके ऊपर जब कार्रवाई करती है, इनके ऊपर एक छोटी सी धारा लगती है जो कि एक महिला से मार पीट करो और एक दरवाजे को बंद करके एक महिला के वस्त्र को हटा दिया जाए, मतलब उसकी शरीर से कपड़े को हटाकर उससे लड़ाई और झगड़े किया जाए और उससे हाथापाई किया जाए और पुलिस वाले उसके ऊपर मुकदमा क्या लगाते हैं, जो लोग आरोपी होते हैं 151 का के तहत उन लोगों के ऊपर धारा लगती है। सोचिए जहाँ पे जो कि महिला एससी समाज से बिलोंग करती है, जहाँ पे एससीएट के तहत उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगाना चाहिए, वहाँ पर 151 का धारा लगता है। अब सोचिए कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, एक महिला होकर उन दरिंदों का सामना कर रही है और ये एक मर्द होकर एक औरत का सामना कर रहे हैं। अब सोचिए एक मर्द की मर्दानगी किस तरीके से होती है। साथियों आप सभी लोगों को पता होगा, तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि एक दो चार दरिंदे मिलकर एक महिला के साथ इस तरीके से गलत काम करने का काम किए और उसके बाद पुलिस ने भी एक तरफा जो जिस तरीके से नहीं करना चाहिए, जहाँ पर उन लोगों के तहत एसटीएट के तहत उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगना चाहिए, धाराएं लगनी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ 151 के तहत उन लोगों के ऊपर धारा लगवाया गया, जो कि इतनी बड़ी बात होने पर। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि कुछ कानून के लोग भी रक्षक होकर भक्षक बनने का काम करते हैं। तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सलाम। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।